डिस्कस ICMR JRF 2019 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 2019 का जो पेपर है वो कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी, है ना, कंप्लीट सॉल्व करूँगी। तो ये मेरी पार्ट फोर्थ वीडियो है ना, पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और इन वीडियोस को देख लीजिए। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल पे कुछ CSI के रिलेटेड भी वीडियोस हैं, मींस वीडियोस प्लस PYQs दोनों हैं। तो अगर आप CSI नेट या फिर ICMR नेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और इन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following type of enzyme inhibition is called end product inhibition? है ना, तो end product inhibition किसको बोलते हैं? So यहाँ पे क्या होता है कि इसको that is also known as the feedback inhibitions. Okay, मान लो कि आपका ये reactant है ना, और ये आपका है product. देख, enzymes responsible होता है. Okay, तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है ना, प्रोडक्ट बन जाता है मीन्स यहाँ पे बॉडी को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी तो प्रोडक्ट बन गया है और प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो ये क्या, तो इसमें क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट होता है वो वापस फीडबैक इनहिबिशन करेगा, मीन्स ये एंजाइम्स को इनहिबिट कर लेगा ताकि वो और ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना करे। सो इसी प्रोसेस को बोलता है फीडबैक इनहिबिशन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, यहाँ पे यही पूछा गया, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन आल्सो नॉन एज फीडबैक इनहिबिशन। सो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ कोलेस्ट्रॉल डज नॉट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर, है ना, तो कोलेस्ट्रॉल होता है आपका वो बहुत सारी चीज़ों का प्रिकर्सर होता है, लाइक जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उसका प्रिकर्सर आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन्स, ग्लूकाकॉर्टिसोल्स, मिनरल कॉर्टिसोल्स, एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स, इनके जो प्रिकर्सर है वो आपका कोलेस्ट्रॉल्स होता है। तो यहाँ पे तीन एंजाइम्स आ गए जिनमें मैंने नाम लिया, है ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोडायोल, ये सारे के सारे क्या है आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चेक कीजिए, दैट इज द कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं है, है ना, ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है, इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका इसमें से नॉट पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका होता है करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, एलोप्यूरिनॉल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गॉट इज इट इज एन इनहिबिटर ऑफ, तो ये आपकी जो गॉट डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ना, जब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है मीन्स हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन हो जाती है, तो इस डिजीज को बोलते हैं हम गॉट। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि गॉट को ट्रीट करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं एलोप्यूरिनॉल, है ना, वो गॉट के अंदर मीन्स किसको इनहिबिट कर रही है, तो ये क्या करता है, ये आपका जो जैंथिन ऑक्सीडेज है उसको इनहिबिट करती है। कैसे करती है देखते हैं, तो गॉट डिजीज कैसे होती है, आपकी यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन से होती है ना, ब्लड के अंदर ज़्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो, तो हमें क्या करना है कि ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट करना है जो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि हाइपोजैंथिन कन्वर्ट होता है आपका जैंथिन, एंड जैंथिन कन्वर्ट होता है आपका यूरिक एसिड साइकिल है ना, उसके अंदर ये होता है, तो ऐसे आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका जो जैंथिन ऑक्सीडेज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हाइपोजैंथिन को जैंथिन में कन्वर्ट करने में और साथ ही साथ जैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने में। तो अगर हम इसी एंजाइम्स को इनहिबिट कर दें, अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो ये हाइपोजैंथिन जैंथिन में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही जैंथिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो हमें क्या करना है, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है, मींस इस एंजाइम को हम क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए यूज आता है, दैट इज द एलोप्यूरिनॉल। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नाउ थायराइड हार्मोन एक्ट थ्रू, सो आपका थायराइड हार्मोन्स जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, वहाँ पे आपका
ये थायरॉयड हार्मोन्स आके बाइंड होता है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके नाउ अल्फा ऑक्सीडेशंस ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन होता तो आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया एंड परॉक्सिस्म दोनों होता, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन आपका होता है परॉक्सिस्म में। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट इन बॉस सिट्रिक एसिड साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये जो क्वेश्चन है आप जब भी अटेंड कर पाओगे जब आपको पता होगा व्हाट इज़ द मीन व्हाट इज़ द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड द व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पे कॉमन एंजाइम्स का नाम पूछा गया है। तो NADH आपका यूज़ होता है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर ऑनली, सिट्रिक एसिड में नहीं होता है। मैलेट भी आपकी ETC में यूज़ होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है दैट इज़ करेक्ट। क्या दे रखा है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, है ना। ये आपका सिट्रिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन दोनों के अंदर यूज आता है एंजाइम्स। इस एंजाइम्स को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में हम कॉम्प्लेक्स सेकंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स सेकंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। साथ ही साथ इसको सक्सीनेट को एंजाइम्स क्यू रिडक्टेज भी बोला जाता है। सो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके नाउ पिरिमिडिन डाइमर फॉर्मेशन इज साइन ऑफ DNA डैमेज। दे आर इंड्यूस बाय, जो पिरिमिडिन डाइमर्स होता है आपका कैसे इंड्यूस होता है, आपके अंदर कभी कभी क्या होता है डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये इंड्यूस बाय द यूवी लाइट। आपको मैं बता दूँ यूवी लाइट होती है आपकी थ्री टाइप की होती है, दैट इज द A, B and C, UVA, UVB एंड UVC। UVC तो आपकी एंटर करती है आपको इतना इफेक्ट नहीं करती जितना UVA and B। UVA and B आपको आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, आपके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज कर सकती है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है दैट इज़ द UVB, है ना। तो UVB, UVA and B की दोनों के दोनों प्रोटेक्ट होती है ओजोन लेयर से। मान लो कि आपकी अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर आपकी पता है ओजोन लेयर बनी है, वो क्या करती है प्रोटेक्शन करती है आपकी जो हार्मफुल UVA and B हमारे अर्थ के अंदर ना एंटर करे। तो आपको ये भी बताया कि ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये जो यूवी लाइट है UVA and B वो हमारी अर्थ के अंदर एंटर कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये जो UVB है ये हमारी बॉडी के अंदर थायमिडिन डायमंड्स का फॉर्मेशन करती। कैसे देखते हैं, मान लो कि ये TNT है ना, टी के सामने किसका बॉन्ड बनता है आपका, ए का बनता है एडिनिन का क्या। तो यहाँ पे ऐसे सामने सामने बॉन्ड बनना चाहिए बट ऐसा हो नहीं पाता है ना। क्या होता है इसके अंदर कि ये बॉन्ड ना बन के ये आपस में ही, ये जो थायमिन है ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए बोलते हैं थायमिडिन डाइमर। ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे क्या होता है उसके सामने वाले से मीन्स एडिनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं। अब देखो आप कि सामने वाले के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो स्पेस क्रिएट हो जाएगा मीन्स अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट हो, आपको पता है कोडोन के अंदर एक भी न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो पूरा का पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो जाता है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बेसिक क्या पूछा गया है कि थायमिन डायमिन किससे फॉर्म होता है, दैट इज़ द यूवी लाइट। पता चल गया कैसे होता है, क्या होता है, ये आपका DNA डैमेज वाले टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP अपॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने से आपका ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके तो यहाँ पे आपको पूछा गया है मैक्सिमम ATP कौन फॉर्मेट करता है, तो आपका आंसर है पेलमिट। इसके अंदर क्या होता है आपका 129 ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखते हैं। जो पेलमिटिक एसिड है दैट इज द 16 कार्बन्स। ओके तो 16 कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 16 कार्बन का होता है तो हम यहाँ पे 7 टाइम्स ऑक्सीडेशन कराएंगे जिससे क्या होगा 8 एसिटाइल कोलिन बनेगा, है ना।
एसिटाइल कोलिन बनेगा तो 7 ऑक्सीडेशन से बनता है। जब 7 ऑक्सीडेशन होता है तो देखते हैं, तो 7 ऑक्सीडेशन से आपकी बनती है 7 NADH, 7 FADH, 2 एंड आपका बनता है 8 एसिटाइल कोलिन, है ना, 8 एसिटाइल कोलिन। तो आपको पता है कि 7 NADH, अगर 7 NADH को हम ATP में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, वेट वेट, है ना, सारा रिप्लेस हो गया। 7 कार्बन कन्वर्ट होता है आपका 8 एसिटाइल कोलिन में, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेप होती है। तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेप से आपका बनता है 7 NADH, 7 FADH2 और आपका 8 एसिटाइल कोएंजाइम्स, है ना, कोलिन। तो यहाँ पे जब 7 NADH को अगर मैं ATP में कन्वर्ट करूँगी तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना, तो 7 3 से 21, तो 21 ATP का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे FADH से करूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आपको ATP मिलती है आपकी 7 2 से 14 ATP। 8 को एक एसिटाइल कोलिन आपका 12 ATP लेके जाता है, मीन्स तो 8 कितने लेके जाएगा, 8 कितना बनाएगा, 12 8 जो 96, है ना, तो सारी ATP को काउंट करो तो टोटल नंबर ऑफ ATPs कितनी हो गई, सबको ऐड करोगे तो 131 ATP में से 2 ATP आपका इन्वेस्ट में हो जाता है, है ना, तो माइनस कर दो 2 ATP, तो 131 माइनस 2 ATP दैट इज़ द 129 ATP। मीन्स ये आपका जो पैलमिटेड है वो आपका 129 ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है पता चल गया, 16 नंबर कार्बन है। अगर इसके अलावा कुछ और भी दे रखा होता है तो आपको कैसे करना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं और कितने ऑक्सीडेशन होंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है उसका हाफ एसिटाइल कोलिन बनेगा और उसका एक नंबर कम आपका ऑक्सीडेशन साइकिल होगा। जितना ऑक्सीडेशन साइकिल होगा, 7 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ ATPs काउंट कर लो और 2 ATP को लास्ट में माइनस कर लो, तो यहाँ पे आता है आपका 129 ATP। ओके, सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन से ATP बनती है आपकी पैलमिटेड से। सो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होता है करेक्ट। ग्लूकोज से 36-38 मिलती है आपको, पाइरूवेट से भी आपको 5 के अप्रॉक्स मिलेगी, है ना। नाउ नेक्स्ट इज द विच इज़ द ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम्स के लिए कौन सा ट्रू ऑप्शन है। तो एंजाइम्स की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका दे रखा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, नो, सारे एंजाइम प्रोटीन, हाँ मैक्सिमम एंजाइम्स आपकी प्रोटीन होते हैं बट सारे नहीं होते, है ना, यहाँ पे ऑल, अगर यहाँ पे फ्यू दे रखा होता तो बात बन जाती बट यहाँ पे ऑल दे रखा है, या फिर मैक्सिमम दे रखा होता तो बात बन जाती है, यहाँ पे ऑल दे रखा है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये गलत होता है ना। आपको पता है राइबो एंजाइम्स है आपको, तो वो कोई प्रोटीनियस नेचर तो ना एंड नेचर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन होता है रॉन्ग। सेकंड है ऑल एंजाइम्स आर विटामिन्स, सारे एंजाइम्स विटामिन्स नहीं है, यस कुछ विटामिन्स एंजाइम्स की जैसे ऐड करते हैं विटामिन B1 लाइक, है ना, तो यहाँ पे आपका ऑल आ गया तो इसलिए ये भी गलत हो गया। थर्ड इज द ऑल एंजाइम्स आर नॉट अ प्रोटीन, यस ये करेक्ट हो सकता है, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं है, यही तो बात हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखा, इसलिए ये हो गया आपका राइट। थर्ड क्या है, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स, सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, आपको पता है प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है, सबके सब एंजाइम की जैसे एक्ट थोड़ा करते हैं, इसलिए आपका ये आंसर रॉन्ग होता है। सो आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट, कैल मॉड्यूलिन कंट्रीब्यूट्स टू सिग्नल ट्रांसडक्शंस बाय बाइंडिंग ऑफ, ये जो आपका कैल मॉड्यूलिन होता है वो क्या होता है, ये इसके ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है ना, इस टाइप का आप डायग्राम देख लो, वेट इस टाइप का डायग्राम, है ना, तो यहाँ पे आपकी 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है कैल मॉड्यूल में, यहाँ पे आके कैल्शियम बाइंड होता है, है ना, तो यहाँ पे आपका यही पूछा गया है कि यहाँ पे कैल मॉड्यूलिन कंट्रीब्यूट टू सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय बाइंडिंग ऑफ, किससे बाइंड होता है, बाय द टू द कैल्शियम्स, ओके, तो यहाँ पे आपकी जितने बायोलॉजिकल प्रोसेस रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है कैल मॉड्यूलिन, है ना, सेल मोर्टिलिटी में, एपोप्टोसिस में, तो बहुत सारे फंक्शंस है इसके, तो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर साइकिन, ओके।
तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने बात की कुछ 10 क्वेश्चंस का। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ सही से समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको वापस से समझा दूँ, है ना। मेरी पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसके अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। अगर आपने नहीं देखे 2019 के पेपर को सॉल्व कराया, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और उस वीडियोस को देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं CSI के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे वो भी आप देख लेना। ओके, तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।